सो गाइज, कैसल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक प्लेन लैंड, जो कि भाई मेरे को बहुत मुश्किलों से मिला। मतलब मैं 2-3 दिनों से ढूंढ रहा था, फिर जाके मेरे को ये लैंड मिला। एंड उसमें भाई मेरे को ये लैंड मतलब पूरा प्लेन करना है, समझ रहे हो, मतलब एक लेवल में करना है, समझ रहे हो गाइज। तो इसके लिए भाई बहुत मेहनत लगा हम लोगों के, लाइक मैं और आर्यन भोले एंड एक दो और दोस्तों ने मिलकर इसे प्लेन किया, समझ रहे हो। मतलब ये इतना ज़्यादा बड़ा था कि हमें प्लेन करने में अप्रॉक्सिमेट 2 दिन लग गए, ठीक है, तब जाके भाई ये प्लेन हुआ, समझ रहे हो। मतलब भाई इतनी मेहनत मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं की जितना इसमें मैंने डर्ट भरने में करती, समझ रहे हो। मतलब मेरे को लगता है कि भाई मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी पढ़ाई में जितनी मेहनत नहीं की होगी ना, उससे ज़्यादा मैं इस एरिया में डर्ट भर दिया हूँ उतना मेहनत कर, समझ रहे हो गाइस। तो फिलहाल अभी डर्ट अपना भरने ही वाला है एंड ये भर के तैयार हो चुका है ब्रो पूरी तरह से डर्ट। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टोन ब्रिक्स ऐड करेंगे इसके ऊपर एंड उसके बगल में सील आइटन, ताकि भाई ये अच्छा दिखे, मतलब चमके भाई हमारे एकदम फ्लोर चमके, समझ रहे हो गाइस। तो भाई यहाँ पे सील आइटन मैं ऐड कर रहा हूँ एंड इससे पहले ही मतलब मेरे दोस्तों ने यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स ऐड कर दिए हैं। सॉरी ब्रो, मैं थोड़ा ये इधर उधर निकल जाता हूँ। एंड हाँ, यहाँ पे भाई स्टोन ब्रिक्स मैं वापस से ऐड कर रहा हूँ एंड मतलब पूरा फिल करने में ना भाई बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, स्टोन ब्रिक्स को एंड सील आइटन को, दोनों को मतलब मिल के, ठीक है, क्योंकि गाइस एक ब्लॉक स्टोन ब्रिक्स एंड एक ब्लॉक सील आइटन, समझ रहे भाई। तो थोड़ी सी मतलब फ्लोर चमकना चाहिए ना गाइस। एंड ये ब्रो हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है लगभग, हाँ अभी हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है गाइस, ठीक है, देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है, एकदम ओपी सा लग रहा है ब्रो, ठीक है। एंड इसके बाद हमें ना सबसे पहले पिलर ऐड करना है, ताकि भाई कैसल का लुक जो होता है ना ब्रो, सबसे ज़्यादा पिलर से आता है, समझ रहे हो। मतलब पूरी दोनों हाथ ऐसे ही कर दिया, क्योंकि भाई ये पहले का रिकॉर्डिंग है। एंड गाइस सब देखो भाई, मतलब पिलर का नाम लिया भाई, नीरो भाई सबसे ऊपर चले गए, ठीक है, मतलब नीरो भाई ने कैसल का बिल्ड, मतलब सॉरी पिलर का बिल्ड स्टार्ट भी कर दिया। एंड गाइस चलो हम भी थोड़ा हाथ बटा ले, मतलब मैं सिर्फ भाषा नहीं दिए जा रहा हूँ। सो गाइस अभी मैंने भी स्टार्ट कर दिया थोड़ा सा हेल्प करना नीरो भाई की, मतलब मैं खुद की हेल्प करना, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग पिलर सबसे पहले ऐड करेंगे, मतलब टोटल 4 पिलर्स होंगे ब्रो, समझ रहे हो, मतलब चारों कॉर्नर पे। एंड पिलर्स के बाद भाई सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बिल्ड, समझ रहे हो, मतलब बिल्ड। एंड उसके बाद सबसे पहले हम लोग गेट बनाते हैं उसके बाद। एंड भाई गेट मैंने डीपस्लेट का बनाया, डीपस्लेट ब्रिक्स का बनाया, क्योंकि भाई इससे अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा ऐसा खौफनाक डरावना टाइप का लगता है ना ब्रो गेट, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है गाइज। सो गाइज कैसल के बीच में ना मेरे को ब्लैक स्टोन एंड भाई ये सील आइटन के कॉम्बो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने बीच से स्टोन ब्रिक्स निकाल के ऐड कर दिया भाई ब्लैक स्टोन, सॉरी बीच से स्टोन ब्रिक्स निकाल के ब्लैक स्टोन एंड सील आइटन ऐड कर दिया। एंड भाई फिर वॉल्स वगैरह ऐड हो रहा है भाई, मतलब बहुत मेहनत लगी है। एंड उसके बाद भाई ये ग्लास, अपना ग्लास ब्लॉक ग्रे कलर का भाई डाई से मैंने बनाया, समझ रहे, मतलब आगे की साइड में पूरा ग्लास ब्लॉक लगेगा, ताकि भाई एकदम ट्रांसपेरेंट रहे कैसल, बाहर से भी कोई देख ले तो भाई ऐसे मतलब उसको अच्छा लगे। फिर से मैं गड़बड़ भाई, करियर खत्म भाई, छोड़ो, खैर ये सब बातें इग्नोर करो। एंड गाइज फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ पे ऊपर से लावा ऐड कर दे, समझ रहे हो, कि लावा ऊपर से गिरता हुआ रहे, समझ रहे हो। देखो गाइज ऐसे 2 लावा गिर रहे हैं ऊपर से, काफी अच्छा लग रहा था हम लोग को, ठीक है। तो मैंने सोचा ये बहुत सा, एंड भाई दर्शन बहुत हेल्प किया, समझ रहे हो, दर्शन इस बिल्ड में बहुत, दर्शन बाबा को मैं एंड आर्यन बोले, मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसे हेल्प किया, समझ रहे हो। लेकिन डिजाइन बाई मी भाई, यहाँ के इट मैं लेता हूँ। एंड गाइज यहाँ पे वापस मैं ऊपर एक गेट लगा दिया, मतलब मैं गेट बना रहा हूँ ताकि भाई दूर से दिखे ना, तो ऐसा लगे कि भाई दो दो कैसल है, मतलब छत के ऊपर भी कैसल का गेट है, समझ रहे हो गाइज, बहुत अच्छा ऐसे लगने वाला है। बाहर से देखोगे तो भाई ओपी लगेगा एकदम, बहुत मस्त लगेगा, समझ रहे हो। तो भाई अभी तो ये बाहर बाहर का बिल्ड हो गया गाइज, ठीक है, एंड इसके अंदर भाई बहुत मुश्किल होने वाले, ठीक है। एंड ये सीढ़िया भाई आप लोगों को लग रहा हो कि लेफ्ट साइड पे है, तो भाई देखो अभी मैं खा रहा हूँ, खाते खाते भाई देखो सीढ़िया बीच में आ गई ना गाइज भाई, ये सब जादू है, समझ रहे हो, मतलब जादू नहीं भाई, मेहनत लगी भाई बहुत मेहनत, मतलब लगभग भाई ये 15 दिन में कंप्लीट हो, 15 दिन नहीं थोड़ा सा कम है, मतलब मैंने बस 2-2 घंटे खेला था इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मैं प्रॉपर ऐसे जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता था ना ब्रो, तो तभी मैं खेलता था, ठीक है। एंड ये सारे क्लिप्स आप देख रहे होगे ना ब्रो, पूरी लाइव स्ट्रीम की क्लिप्स है, समझ रहे गाइस, मतलब भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगाया गाइस, समझ रहे, मतलब गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। तो गाइज हमने सोचा कि भाई इस सामने वाला गेट है ना ऊपर वाला, उसको थोड़ा सा अंदर करते हैं, समझ लो। एंड ऊपर का ये जो हम लोग रूफ जो बना रहे थे उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा लाइक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइज। एंड इसके ऊपर भी मैं ऐड कर रहा हूँ, जो कि सबसे फाइनल लुक आएगा ब्रो ऊपर से ही, समझ रहे हो। तो ऊपर के मैं ऐड कर दिया। एंड गाइज यहाँ दर्शन ने बोला कि भाई थोड़ा सा ऐड कर दो नीचे डीपस्लेट ब्रिक्स, तो हमने डीपस्लेट ब्रिक्स भी ऐड कर दिया भाई, हम लोगों की बहुत सुनते यार, समझ रहे हो, मतलब क्या करें यार। एंड उसके बाद भाई ये स्टेयर्स ऐड कर दिया मैंने बाहर की ओर। एंड देन भाई ऊपर फाइनल लुक देने के लिए मैं सबसे ऊपर आ गया। एंड ऊपर का भाई ये ब्लॉक्स ऐड करके, मतलब क्वार्ट्ज ब्लॉक ऐड करके, तो ऊपर का भी फाइनल लुक आने वाला है, आप लोग देख के बताना गाइस फाइनल लुक कैसा है, ठीक है। ये हाँ ये स्टेयर्स हमने ऐड किया। एंड स्टेयर्स के बाद भाई देखो
पूरा फुल फाइनल लुक आएगा अभी ऊपर का, ठीक है। मतलब एक एक करके भाई चारों पिलर्स, मतलब सॉरी चारों जो ऊपर थे ना उस पे देखो भाई। हाँ ये देखो, ये आ गया ब्रो बाहर का फाइनल लुक, एंड अंदर कुछ नहीं बना भी, अंदर ब्रो पूरा खाली खाली है। मतलब वही होता है ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो भाई इसमें चूहिया नहीं बस के ऊपर क्रीपर था। एंड नीचे हम लोग सोच रहे थे कि भाई दोनों तरफ चेस्ट रूम बना देते हैं, ठीक है। तो भाई नीचे हम लोगों ने दोनों तरफ चेस्ट रूम बना दिया, एंड ब्रो बीच में वर्क स्टेशन के टूल्स लाइक एनविल, स्मिथिंग टेबल, ये सब बीच में हम लोगों ने ऐड कर दिया, समझ रहे, स्मोकर्स वगैरह। एंड साइड साइड में दोनों तरफ चेस्ट वगैरह ऐड कर दिया, ठीक है। देखो सामने एनविल, एंड बीच में भाई पूरा खाली घर लग रहा है भाई। अभी देखो अभी एकदम तुरंत भरने वाला है गाइस, ठीक है। ऊपर सिर्फ बुक्स ऐड कर दिए भाई, वो डेकोरेटिंग के लिए, समझ रहे हो। एंड देखो स्मिथिंग टेबल, एंड बगल में स्मोकर्स वगैरह सारे हमने ऐड कर दिए, समझ रहे हो, क्योंकि नीचे पूरा फील रहे। एंड ऊपर ब्रो वापस से हम लोग चलते हैं मेरे रूम्स की ओर, क्योंकि रूम्स हमने एक भी नहीं बनाए। तो गाइस अभी मैं इधर रूम बनाने वाला हूँ, समझ रहे हो, तो रूम आई थिंक बहुत जल्द बन जाएगा, ठीक है। अभी रूम के लाइक चार रूम्स बनेंगे ऊपर में, एंड इसमें बहुत सारे बेड्स होंगे, ठीक है गाइस। एंड ये बाहर भाई खाना खाने के लिए हम लोगों ने डाइनिंग टेबल भी बनाया था, जो कि काफी अच्छा है, ठीक है ब्रो। तो साइड में ऐसे सोफा पे बैठ के हम लोग भाई खाना वाना खाएंगे। एंड भाई ऊपर बाबा कुमार लाइट वगैरह लगा रहा है, क्योंकि भाई मैं एक साथ मतलब बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना, इसलिए बाबा को ऊपर लाइट्स वगैरह ऐड कर रहा है। एंड मैं नीचे कारपेट वगैरह भाई लगा रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत मेहनत लगा था इसे भाई, बहुत मेहनत नहीं लगा था यार। आप लोग सोच रहे हो भाई कितना बहुत मेहनत मैं बोल रहा हूँ कब से। एंड भाई देखो क्या ही सीन, भाई बाबा को मैंने पूरा भाई फुल ऊपर लाइट वेट लगा दिया भाई, स्केप होल्डिंग का, मतलब मेरे को लग रहा है अलग से फ्लोर बना दिया भाई स्केप होल्डिंग का, समझ रहे हो। और ये नीचे की ओर गेट की ओर भाई थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए कैम फायर, एंड भाई स्टोन ब्रिक्स वगैरह, एंड थोड़े से लाइट वेट लगा रहा था, ठीक है। एंड भाई रूम के ऊपर भाई ये लाइटिंग लगा रहा हूँ, ताकि भाई रूम के अंदर भी तो लाइट होना चाहिए ना भाई, अंधेरा अंधेरा तो अच्छा नहीं लगता ना भाई, पूरा एकदम खुफिया सा रूम, समझ रहे हो। तो लाइट, एंड उसके बाद भाई थोड़ा सा कारपेट, रेड कारपेट वाला थोड़ा फील आ जाए ब्रो, इसलिए बीच में हमने रेड कारपेट भी ऐड किया, समझ रहे हो गाइस। एंड नीचे की ओर भी हम लोगों ने रेड कारपेट ऐड किया, एंड साइड साइड में व्हाइट कारपेट, ताकि भाई थोड़ा सा अच्छा लुक लगे, मतलब ऐसा नहीं लगे कि भाई पूरा बॉलीवुड टाइप का सीन हो रहा है, समझ रहे हो गाइस। एंड भाई देखो बाहर से कुछ ऐसा इतना खतरनाक लुक आ रहा था भाई, एंड अंदर के रूम सभी भी बाकी थे, ठीक है। तो भाई बेड तो मैंने बना लिए थे पहले ही, एंड मैंने उस टाइम का रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये एक सिंपल ऐसे जब बेड बना था तब रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। एंड साइड में बुक सेल्फ बस डेकोरेटिंग के लिए, एंड भाई कैंडल वैंडल जला दिया, एंड भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी जलने के बाद ही। एंड वियतनाम भाई अपना वियतनाम भी हेल्प किया था इधर, ठीक है। एंड नीचे भाई मैंने सोचा कि पर्पल कलर के भाई कारपेट लगा देते हैं, एंड साइड में व्हाइट वाले कारपेट लगा देंगे। एंड साइड में भाई दोनों कॉर्नर पे भाई एक एक तो भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये कारपेट। एंड कारपेट लगने के बाद भाई मैं चारों रूम्स में सेम ऐसे ही कारपेट लगा दूँ, क्योंकि मेरे पे बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है गाइज। एंड यहाँ पे ऐसे करने के बाद भाई थोड़े से रूम में ऐसे डेकोरेटिंग वगैरह मैंने जो भी मेरे से लगा कि नहीं भाई ये अच्छा लग रहा है वो मैंने किया भाई इधर यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्रो, ठीक है, मतलब भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड भाई लास्ट ब्रो अपना ये मैं ऐड कर रहा हूँ भाई चेयर एंड टेबल, चारों रूम से मैंने कर दिए, ठीक है। एंड चेयर टेबल क्योंकि भाई कभी कभी न्यूज़पेपर एंड खाना पीना इस पे हो जाएगा। तो भाई यही था हमारा बिल्ड यार, मतलब इतना भाई एडिटिंग करने में भाई 80 वीडियोज़ के एक वीडियो में भाई 80 नहीं मतलब 90 वीडियो के भाई 90 क्लिप्स को एक वीडियो में ऐड करने के लिए भाई हालत खराब हो गई थी। फिलहाल आप लोग लाइक कर देना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब कर, सॉरी मतलब वीडियो अच्छी ना लगी फिर भी सब्सक्राइब कर देना भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।